यूएई वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट इंटरनेशनल मैच, फर्स्ट टी20 मैच आज जो होने वाला है, आज मैं फाइनली बताने वाला हूं कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसको आज लेकर जाना चाहिए और किसको ड्रॉप करना चाहिए। भाई एक एक ऐसा खिलाड़ी आज आपको देखने को मिलेगा ना जो बहुत लोग जानते ही नहीं है कि कैसा खेलने वाला है, बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, और आपको कैसे लेके जाना है वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आज सीबीसी का कंटेंडर कौन होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, कौन ट्रंप का प्लेयर बन सकता है ये सारी चीजें आपको बताऊंगा, और स्ट्रक्चर पे मैं आपको सर्कल वाइज टीम क्रिएट करके बताऊंगा किसको किस कंडीशन में लेना है, वो सारी चीजें मैं मेंशन करके दूंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्टिंग ओवर कौन करेगा, पावर प्ले में बॉल कौन करेगा, और डेथ ओवर कौन करेगा। डेथ ओवर का जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन ऐसा बॉलर है जो डेथ ओवर करने वाला है, ये जानना आपका बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपको ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो पे बने रहना। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं, और ये जो मैच खेला जाने वाला है सबसे पहले हम जानेंगे ये मैच कहां खेला जाने वाला है। तो ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यूएई के अंदर खेला जाने वाला है, ठीक है ना। 7:30 बजे शाम को आज ये मैच खेला जाने वाला है। तो आज हम एक-एक पर्त को खोलने वाले हैं, एक-एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो आप यहां पे देख सकते हो एक बटन मिलेगा, ये जो वीडियो देख रहे हो ना आप, उस वीडियो के नीचे आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा। फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा लो भाई, फ्री में आता है, मतलब पैसे नहीं लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइक जो बनता है मेरे भाई, लाइक कर दो इस वीडियो के लिए, लाइक कर दो। उसके बाद यहाँ पर आप मोर का ऑप्शन देखेंगे सब्सक्राइब बटन से ऊपर, जैसे इसको क्लिक करोगे ना आप सीधा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, और यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे इस पे टैप करोगे आप सीधा हमारे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, और यहां पे ज्वाइन बटन आपको दिख जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना है। जैसे यहां पे हजारों लोग डेली अच्छे अमाउंट्स को विन कर रहे हैं, इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं, वैसे ही आपको ज्वाइन करके फायदा उठाना है। क्या जाता है भाई, सब कुछ यहां पे आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूं। तो चलो दोस्तों ये दोनों काम कर लो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर हम देख लेते हैं टी20 स्टेट्स एट दिस वेन्यू, पार्टिकुलर इस वेन्यू पे पिछले मैचों का रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, ये हमारा जानना जरूरी है एक यूनिक टीम क्रिएट करने के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं ना तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब हम यहां पर देख लेते हैं। देखो टी20 इंटरनेशनल के जो मैचेस खेले गए ना अब तक, यहां पे 87 मैचेस खेले जा चुके हैं। बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने 41 मैचेस को विन किया, वहीं बैटिंग सेकंड करने वाले ने 45 मैचेस को विन किया। तो ओवरऑल यहां पे देखा जाए ना तो दोनों इनिंग्स के लिए, जैसे कि जो भी टीम टॉस जीतेगी ना वो अपने अकॉर्डिंग फैसला कर सकती है, वो फर्स्ट बैटिंग भी कर सकती है और वो फर्स्ट बॉलिंग भी कर सकती है। यहां पे एक मैच टाई हो गया था। अब बात करें एवरेज स्कोर की फर्स्ट इनिंग में, तो फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर है 146 का। वहीं पे हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो इंडिया ने बनाया था 212 रन 2 विकेट के नुकसान पे। वहीं लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने 55 रन पे 10 विकेट खो दिए थे। अब थोड़ा सा यहां पे स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालेंगे तो यहां पे देखेंगे 150 से नीचे 45 बार बना है, वहीं पे 150 और 169 के बीच में 21 बार बना है, और यहां पे 170 और 189 के बीच में 13 बार बना है, और 190 से ऊपर 8 बार बना है। तो ओवरऑल ये पिच जो है ना ये बैलेंस पिच रहने वाला है, जहां पे बैट्स और बॉलर दोनों को इक्वल सपोर्ट मिलने वाला है। तो कौन ऐसा बॉलर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन ऐसा बैट्समैन को लेके जाना है, वो सारी चीजें हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम देख लेते हैं। तो यहां पे अभी तक हेड टू हेड का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे आपको बताना नहीं है। अब देखो यहां पर हम बात करेंगे बॉलिंग स्टेट्स ऑफ लास्ट 4 मैचेस की, पिछले 4 मैचों के बॉलिंग स्टेट्स की बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट, इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में भी पिन किया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, तो फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर लो। देखो दोस्तों यहां पे पेसर्स को पिछले 4 मैचों में टोटल 27 विकेट्स मिले हैं, फर्स्ट इनिंग में 10 विकेट्स और सेकंड इनिंग में 17 विकेट्स। तो यहां पे सेकंड इनिंग के लिए पेसर्स अच्छे खासे विकेट्स लेके जाते हैं। अब स्पिनर्स की बात करें तो टोटल 25 विकेट्स मिले हैं, फर्स्ट इनिंग में 14 और सेकंड इनिंग में 11। तो फर्स्ट इनिंग के लिए स्पिनर अच्छे खासे विकेट्स लेके जा सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है।
कौन ऐसा स्पिनर है जिसको लेके जाना है वो आगे मैं बात करूंगा। दोस्तों यहां पर हम देख लेते हैं यूएई का प्रोबेबल 11 क्या हो सकता है, तो हम एक नजर इस पे डाल लेते हैं। तो यहां पे आपको वी अरविंद आपको ओपनिंग करता हुआ दिख जाएगा विकेट कीपर सेक्शन में, उसके बाद वसीम मोहम्मद आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, ये दोनों ओपनिंग करता हुआ दिख जाएगा। यहां पे वन डाउन पे रमीज शहजाद आपको दिख जाएगा, रमीज शहजाद, उसके बाद आसिफ खान और रोहन मुस्तफा, और उसके बाद बसील हमीद, अयान खान, अली नसीर, जहूर खान, जुनैद सिद्दीक, उसके बाद कार्तिक म्यापन। तो कुछ ऐसा प्लेइंग 11 यूएई का रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर बढ़ते हैं और यहां पर देख लेते हैं न्यूजीलैंड का प्रोबेबल 11 क्या हो सकता है। तो यहां पे टीम सिफर्ट, उसके बाद यहां पे सी बाउज, ये दोनों ओपनिंग करता हुआ आपको दिख जाएगा। सी बाउज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, ठीक है। उसके बाद डी क्लेवर यहां पे आपको वन डाउन पे आएगा, विल यंग आपको खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद मार्क चैंपियन खेलता हुआ दिखेगा, जिम्मी नेशम खेलता हुआ दिखेगा, मिचेल सेटनर, उसके बाद यहां पे आर रविंद्रा और टीम साउथी काइले जेमिसन, उसके बाद यहां पे जे डफी। तो कुछ ऐसा प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड का रहने वाला है। अगर इन दोनों टीमों में कुछ भी बदलाव हुआ तो वो मैं आपको कहां प्रोवाइड करूंगा, वो मैं इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हम बढ़ते हैं और यहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन की बात कर लें। तो यहां पे यूएई की तरफ से आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में यहां पे वी अरविंद खेलता हुआ दिख जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस की तो यहां पे देख सकते हो 7 रन, उसके बाद यहां पे 4 रन, 31 रन, 15 रन। तो वी अरविंद को इग्नोर करके चलना है भाई, इग्नोर करके चलना है। चाहो तो ग्रैंड लीग में आप ज्यादा टीम बनाते हो तो ट्राई कर सकते हो एक टीम पे। बाकी यहां पे टीम सिफर्ट आपको न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता हुआ दिख जाएगा, जो कि काफी अच्छे फॉर्म में है, आप टीम सिफर्ट के साथ जा सकते हो। उसके बाद यहां पे डी क्लेवर भी आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, तो डी क्लेवर को आप ड्रॉप करके चल सकते हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां पर बैटिंग सेक्शन में आ जाते हैं। बैटिंग सेक्शन में यूएई की तरफ से यहां पे कौन-कौन खेलने वाला है वो हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो यहां पे वसीम मोहम्मद आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, उसके बाद रमीज साहद खेलता हुआ दिख जाएगा, आसिफ खान, ये तीनों खिलाड़ी खेलता हुआ दिखेगा। अब यहां पे वसीम मोहम्मद की बात करें तो 0, 13, 23, 28, 24, तो ये वसीम मोहम्मद इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जरूर से आप अपनी टीम में कंसीडर करना। बात करें इस वेन्यू पे, तो इस वेन्यू पे वसीम मोहम्मद 2 मैच खेला हुआ, 33 रन मात्र 16 का एवरेज है, वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस मैच के लिए लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अब रमीज साहब की बात करें तो 10 रन 38 रन 26 रन 13 रन 43 रन एवरेज पारी खेला हुआ है, यहाँ पे 4 मैच खेला हुआ है, 81 रन मात्र 27 का एवरेज है, तो यहाँ पे रमीज साहब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रह सकता है, ठीक है ना। अब आसिफ खान की बात करें तो पिछले मैच में 151, उसके बाद 0, यहाँ पे 17, 27, ये बहुत ही खिलाड़ी आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको आगे बताना है, ठीक है। तो ये चीज आपने देख लिया। अब न्यूजीलैंड की तरफ से आते हैं, तो यहां पे 3 खिलाड़ी आपको खेलता हुआ दिख जाएगा, एक तो सी बाउज, उसके बाद विलियम और मार्क चैंपियन, ठीक है ना। तो अब सी बाउज की बात करें तो 13, 22, 51, 18, 19, अच्छा खिलाड़ी है भाई, अच्छा मतलब रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म में है, तो आप सी बाउज के साथ भी जा सकते हो, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपके लिए रह सकता है। विलियम की बात करें 87, 15, 33, उसके बाद 19, 86, अच्छे फॉर्म में है, तो आप विलियम के साथ भी जा सकते हो। मार्क चैंपियन की बात करें तो 11, 14, 3, मार्क चैंपियन को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, अदरवाइज आप छोड़ के चल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हम बढ़ते हैं और यहां पे ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं। तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको यहां पर यूएई की तरफ से 4 खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे और न्यूजीलैंड की तरफ से 3 खिलाड़ी। देखो ऑलराउंडर सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोहन मुस्तफा, ये आपको ऑलराउंडर सेक्शन में यूएई की तरफ से खेलता हुआ दीजिएगा, उसके बाद बसील हमीद और अयान खान और अली नसीर, ये 4 खिलाड़ी खेलते हुए दी जाएंगे। अब बात करें रोहन का परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे आप देखेंगे 17 रन 0 विकेट 35 रन 1 विकेट 12 रन 0 विकेट 8 रन 2 विकेट, तो इस तरह से बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, ऑलराउंडर है, और इस ग्राउंड पे 4 मैच खेला हुआ, 48 रन मात्र 12 का एवरेज है, 3 विकेट लेके गया हुआ है। तो आर मुस्तफा को कैसे लेके जाना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। बसील हमीद की बात करें तो यहाँ पे 44 रन 29 रन 39 रन इस तरह से बनाया हुआ है, 2 मैच खेला हुआ, 44 रन मात्र 22 का एवरेज है, तो बसील हमीद आपके लिए अच्छा खिलाड़ी हो सकता है इस मैच के लिए। अयान खान की बात करें, यहाँ पे 2 विकेट 18 रन 1 विकेट, उसके बाद 2 विकेट, अच्छा विकेट निकाल के दे रहा भाई, 2 मैचों में यहाँ पे 25 रन बनाते हुए
25 का एवरेज है, मतलब कि एक ही मैच में खेलने का मौका मिला था, 3 विकेट लेके गया हुआ है। तो यहाँ पे आयान खान आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है, बहुत कम लोग लेके जाएंगे, जरूर से आप लेके जाना। अली नसीर की बात करें, 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, तो अली नसीर भी आपको यहाँ विकेट निकाल के दे सकता है। कैसे लेके जाओगे वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब बात करें न्यूजीलैंड की तरफ से, तो यहाँ पर जिम इनेसिम खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे मिचेल सेटनर और यहाँ पे आपको आर रविंद्रा खेलता हुआ दिख जाएगा। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहां पे जिमी ने सब की बात करें, 9 रन 0 विकेट, उसके बाद 0 विकेट 18 रन 0 विकेट। तो अभी ये जो है ना जिमी ने सब अभी फॉर्म में नहीं है, यहां पे देख सकते हो, तो इस ग्राउंड पे 5 मैचों में 36 रन बनाते हुए यहां पे 3 विकेट लेके गया हुआ है। तो अभी जिमी ने सब को कैसे लेके जाना है वो सारी चीजें आगे हम डिस्कशन करेंगे। मिचेल सेटनर की बात करें, 6 रन 0 विकेट 2 रन 0 विकेट, उसके बाद 7 रन 2 विकेट। तो मिचेल सेटनर भी अभी उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन कैसे लेके जाना है लीग के लिए वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आर रविंद्रा की बात करें, 28 रन, उसके बाद 3 विकेट 0 विकेट, उसके बाद 9 रन 1 विकेट। तो रविंद्रा आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मैच में ग्रैंड लीग के लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बॉलिंग सेक्शन में आ जाते हैं, जो कि यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पे देखो, 3 खिलाड़ी आपको यूएई की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा और 3 न्यूजीलैंड की तरफ से। अब कौन कौन है यहां पे, जहूर खान आपको खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद जुनैद सिद्दीक यहां पे खेलता दिखेगा, कार्तिक यहां पे मैपन खेलता हुआ दिखेगा। ये 3 खिलाड़ी आपको खेलते हुए यूएई की तरफ से जाएंगे। अब बात करें जहूर खान की, तो 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, मतलब बहुत ही अच्छा है। यहां पे इस वेन्यू पे 4 मैचों में 4 विकेट लेके गया हुआ है, तो जहूर खान आपके लिए इंपॉर्टेंट कैरी हो सकता है। जुनैद सिद्दीक की बात करें, यहां पे देख सकते हो, 4 विकेट 4 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, बहुत कम लोग लेके जाएंगे। इस वेन्यू पे 3 मैच खेला हुआ, 1 ही विकेट लेके गया हुआ है, वेन्यू पे अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रिसेंट फॉर्म में है, आप अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। कार्तिक मैपन की बात करें, यहां पे 2 विकेट, उसके बाद यहां पे 0 विकेट 1 विकेट, तो यहां पे 2 मैच हुआ, इस ग्राउंड पे 3 विकेट लेके गया हुआ है। तो इस ग्राउंड के अकॉर्डिंग यहां पे कार्तिक मैपन अच्छा पिक रहने वाला है, ठीक है ना। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड टीम साउथी की यहां पे बात करेंगे, उसके बाद यहां पे काइले जमिशन, उसके बाद जे डफी, ये 3 खिलाड़ी आपको यहां पे खेलते हुए दिख जाएंगे। अब टीम साउथी यहां पे देख सकते हो, 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, मतलब के अभी टीम साउथी उस फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी टीम साउथी एक बड़ा प्लेयर है, कभी भी अच्छे खासे विकेट से लेके आपको दे सकता है। बात करें इस वेन्यू पे 7 मैचों में 6 विकेट लेके गया हुआ है, तो कैसे लेके जाना आगे हम डिस्कशन करेंगे। काइली जमिशन की बात करें, यहाँ पे 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, तो 1-1 विकेट यहाँ पे कहीं ना कहीं ले रहा है काइली जमिशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट खिलाड़ी ग्रैंड लीग के लिए हो सकता है। डफी की बात करें, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, डफी को भी कैसे लेना है वो आगे हम डिस्कशन कर लेंगे जब स्ट्रक्चर पे आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे प्लेयर बैटल, आज का प्लेयर बैटल कुछ भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओवर बॉलर बाई बॉलर्स, कौन ऐसा बॉलर जो स्टार्टिंग ओवर करेगा, कौन ऐसा बॉलर है जो डेथ ओवर करेगा, ये जानना हमारा जरूरी है, क्योंकि एक यूनिटी में अगर क्लियर करना है ना, तो ये सब जानना है जरूरी। यूएई की तरफ से अली नसीर आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, जहूर खान ये दोनों ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। पावर प्ले में अली नसीर और कार्तिक मैपन, ये दोनों आपको पावर प्ले में नजर आएंगे। अब बात करें डेथ ओवर में, तो जहूर खान और हमीद बी हमीद और जे सिद्दीक, ये तीनों आपको ओपनिंग डेथ ओवर करता हुआ दिख जाएगा। तो ये तीनों खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब न्यूजीलैंड की तरफ से बात करें, तो टीम साउथी और काइले जमिशन आपको ये दोनों ओपनिंग करता हुआ दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे पावर प्ले में आपको काइले जमिशन और मिचेल सेटनर, ये दोनों पावर प्ले में नजर आएंगे। डेथ ओवर साउथी, उसके बाद यहाँ पे आपको डफी करता हुआ दिखेगा और निसम, ये तीनों डेथ ओवर करता हुआ दिखेगा। देखो निसम को आप रख सकते हो डेथ ओवर के लिए, हो सकता है कि 1-2 विकेट निकाल कर आपको दे दे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन इन फर्स्ट कमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहां पर हम बढ़ते हैं, और यहां पर हम सबसे पहले यहां पर हम ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस खिलाड़ी को कैसे लेके जाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो स्ट्रक्चर होने वाला है ना ड्रीम टीम का भाई, वो ऐसा ही होने वाला है। देखो 1-3-3-4, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आज का मुझे ऐसा लगता है कि होने वाला है। अब इसी स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे कि कैसे किसको लेके जाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपको टीम सिफर्ट को लेना है, टीम सिफर्ट को लेके जाना है, जो यहाँ पे न्यूजीलैंड की तरफ से खेलता हुआ जाएगा, ओपनिंग में आएगा, विकेट कीपर सेक्शन में नजर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैटिंग सेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे आपको लेके जाना है, देखो यहाँ पे डब्लू मोहम्मद को लेना है, जो ओपनिंग करता हुआ दिखेगा यूएई की तरफ से, ठीक है। अब इस स्पॉट पे लेके जाना है
यहाँ पे एक खान को, आसिफ खान को लेके जाना है, जो यहाँ पे आपको टू डाउन पे खेलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। देखो इसके ऊपर क्या क्या मतलब के आपके पास ऑप्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखो डब्लू यंग को लेना है, डब्लू यंग को लेना है आपको, यहाँ पे वन डाउन पे खेलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आते हैं, तो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पे आपको लेना है आर मुस्तफा, ठीक है, जो ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर आपको पांचवें नंबर पे खेलता हुआ दिख जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे छठे नंबर पे खेलता हुआ दिखेगा यूएई की तरफ से बी हमीद, तो बी हमीद को यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस स्पोर्ट पे क्या करना है, एम सेंटनर को लेना है, एम सेंटनर को, ठीक है। तो ये आपका ऑलराउंडर सेक्शन क्लियर हो गया। अब एक स्ट्रक्चर और भी मैं आपको बताऊंगा, जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको चार स्पोर्ट लेके जाने, कैसे लेके जाना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में आते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ आपको लेना है सबसे पहले जे सिद्दीक, बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है इस मैच के लिए। उसके बाद यहाँ पर लेना है आपको जहूर खान, जहूर खान को लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको लेना है जे डफी, जे डफी और टीम साउथी, तो ये आपका बेसिक टीम तैयार हो गया, ठीक है ना। बेसिक टीम ये बनके आपका तैयार हो गया। अब मैं देखो आगे क्या क्या ऑप्शन है वो बताने से पहले मैं आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर बता देता हूं कि आज का ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन कौन हो सकता है। तो जे सिद्दीक आपका ट्रम्प कार्ड प्लेयर आज का हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अयान खान यहां पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपका साबित यहां पर हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन साबित हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे सी बाउस आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित हो सकता है। ये तीन खिलाड़ी आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर आपके लिए साबित हो सकते हैं, तो नज़र बना के रखना, ठीक है ना। अब हम बता देते हैं दोस्तों यहाँ पर किसके ऊपर किसका ऑप्शन है आपके पास, वो जानना आपका बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। तो देखो टीम साउथी यहाँ पर टीम सिफर्ट को जो है ना आप क्या करना, हर टीम पे लेके जाना। अगर आप ज्यादा टीम बनाते हो तो आप इसको ड्रॉप करके ना वी अरविंद को लेके जा सकते हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप छोड़ के चलना, ठीक है ना। यहां पे डब्लू मोहम्मद की जगह आर शहाद का ऑप्शन है आपके पास, आर शहाद का, जो यहां पे वन डाउन पे खेलता हुआ दिख जाएगा। उसके बाद यहां पे आप आसिफ खान को लेके जाना भाई, आसिफ खान अच्छा कर सकता है, ठीक है ना। देखो यहां डब्लू यंग की जगह आपके पास ऑप्शन है सी बाउस का, जो ओपनिंग करता हुआ यहां पे दिखेगा आपको, ठीक है ना। आसिफ खान की जगह एक टीम एका टीम पे आप एम चैपमैन को ट्राई कर सकते हो, एम चैपमैन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना, अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद यहां पे आर मुस्तफा को आपको लेके जाना है, बी हमीद की जगह ए नसीर को आप ट्राई कर सकते हो, यहां पे ए नसीर को ट्राई कर सकते हो, जो यहाँ पे ऑलराउंड सेक्शन में आपको खेलता हुआ दिख जाएगा यूएई की तरफ से। अब देखो अयान खान को कैसे लेना है, एम सेंटर को ड्रॉप करके यहाँ पे अयान खान को लेना है, ठीक है ना। अयान खान को यहाँ पे आप ले सकते हो। अब देखो आ जाते हैं यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में, तो बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो देखो जहूर खान की जगह आप के म्यापन को लेके जा सकते हो, के म्यापन को लेके जा सकते हो, जो यहाँ पे यूएई की तरफ से आपको खेलता हुआ दिख जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जे सिद्दीक को मेरे हिसाब से लेके जाना चाहिए हर टीम पे। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पे लेके जाना है आपको टीम साउथी की जगह किसको लेके जाना है, तो के जमीशन को आप लेके जा सकते हो, के जमीशन को, जो यहाँ पे खेलता हुआ दिख जाएगा। जे डम्फी को हर टीम पे लेके जाना। तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन था जो मैंने आपको बता दिया किसके ऊपर किसका ऑप्शन आपके पास था। अब देखो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन से एक उठा करके आप ऑलराउंड सेक्शन में यहाँ पे रखेंगे। अब ऑलराउंड सेक्शन में यहाँ पे रखेंगे तो आपको यहाँ पे किस किस को लेके जाना है, एम सेंट्रल को लेके जाना है, उसके बाद आर मुस्तफा को लेके जाना, बी हमीद को लेके जाना और अयान खान को लेके जाना है, और एक टीम पे अयान खान की जगह ए नसीर को आप लेके जा सकते हो। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपको बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सीबीसी का कंटेंडर कौन हो सकता है भाई। तो सीबीसी का कंटेंडर देखो, एक तो डब्लू यंग आप सीबीसी ट्राई कर सकते हो, डब्लू यंग को, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो, यहां पर सीबीसी का कंटेंडर एक तो
यहाँ पे आसिफ खान को ट्राई कर सकते हो, आर मुस्तफ़ा को ट्राई कर सकते हो, बी हमीद को ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद डब्लू मोहम्मद को भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कम से कम वीसी आप एम सेंटर को ज़रूर से बना के जा सकते हो वीसी, ठीक है ना। उसके बाद अगर ज़्यादा रिस्क टेकर हो ना तो जे सिद्दीक को ज़रूर से ट्राई करना, जे सिद्दीक को सीबीसी बन सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव ज़रूर से देना। वीडियो आपके लिए कैसी रही अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सब लोग उठा सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।